اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم محترم حزرات وخواتين دور دارمي फितने की पहचान व शनाखत और उससे बचाव की राहें इस सिलसिले में सिलसिलावार दुरुस्त चल रहे हैं आज हम लोग मालूम करेंगे कि बिदात ख़ुराफात का फितना क्या है बिदात खुराफा को भी शरीयत ने बहुत बड़ा फितना करार दिया है अभी मैंने आपके सामने सुरतुल्नूर की आयत नंबर तिरसठ सिक्सटी थ्री पढ़ी है अल्लाह तमें फ़रमाया फ़ल यिफोना अन अम्र उन लोगों को डरना चाहिए वो लोग डरें जो नबी की मुखालफत करते हैं मग, नबी की मुखालफत करना ये बिदात है और उसको फ़ितने से ताबीर करते हुए आगे फ़रमाया बहुम फितना अगर ये लोग रसूल की मुखालफत से गुरेज़ व परहेज़ नहीं करेंगे तो वो फितने में मुबला हो जाएंगे और युसी बहुमबन अलीम या दर्दनाक अजाब से दो चार हो जाएंगे हजरात नबी की मुखालफत करने से आदमी फ़ितने से दो चार होता है फ़ितने में मुबला होता है नबी की मुखालफत को शरीयत ने फितना करार दिया है और ये बहुत बड़ा फितना है बिदाती को पता भी नहीं चलता है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है इल्म ने लिखा है कि शैतान को मासियत और गुनाह के मुकाबले में बिदात ज़्यादा पसंद है शैतान को मासियत के मुकाबले में बिदात ज़्यादा पसंद है क्योंकि गुनेगार इंसान को एहसास रहता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं लेकिन एक बिदाती को एहसास और शोर नहीं होता है वो तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहा हूं, सवाब है नेकी का काम है एक चोर चोरी करता है उसको पता रहता है कि ये चोरी गलत है एक ना एक दिन उसको एहसास होगा तोबा जल्द करेगा लेकिन एक विदाती जो विदात पर अमल करता है वो तो समझता है कि बहुत बड़ी नेकी में कर रहा हूँ ये तो सुन्नत है बहुत अच्छा काम है उसको एहसास बहुत देर से होता है या होता ही नहीं है उसको तोफीक भी बहुत कम मिलती है ये जो विदात हैं शरीयत की रूह के खिलाफ है ये इस्लामी शरीयत की बुनियादी तो चीज़ें याद रखना शखल इस्लाम इबन तयमिया र्ल ने फरमाया जिसको इन दो सवालत के जवाब मालूम हो जाए तो गया के सारी शरीयत का मक़् उसको पता चल जाए पहली चीज़ इबादत किसकी? एक सवाल है इबादत किसकी? और इसका सिंपल सा जवाब है बहुत आसान सा सीधा सा जवाब है इबादत अल्लाह की अब उसका एक ततिम्मा है उसका कम्पलिशन ये है कि इबादत कैसी हो इबादत कैसी तो उसका जवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी और इसी को कहा जाता है तोहहीद और सुन्नत अल्लाह की इबादत करो सारी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस करो कल हमने मालूम किया इस ताल्लुक से कि कुफर शिरक का फितने में सारी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस करना यह तोहद है इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी आए अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के लिए कोई भी अल्लाह का हक दे दें इबादत दे दें तो ये शिरक है तौहीद से हटके वो शिरक में मुब्तला हो गया इबादतें शरीयत में सवाब समझकर जो काम किए जाते हैं उनको कहा जाता है कि ये इबादत हैं। और इबादत याद रखिए सही तरीके से अगर आदमी सोता भी है दुआ पढ़ के खाता भी है तो वो इबादत में शामिल है ये भी सवाब का काम है अगर ये गलत तरीके से करें तो बिदात है तो इबादत अल्लाह की हो और इबादत में तरीका नबी का हो तो यही सही है यही सुन्नत है और इबादत तो कर रहा है नेकी का काम तो अंजाम दे रहा है लेकिन तरीका नबी का नहीं है नबी के तरीके से हट के कोई काम करें तो उसको बिदात कहा जाता है Allah कहा गैर को दे दें तो शिरक है और इबादत में नबी का तरीके से हट के इबादत करें इबादत ही कर रहा है नेकी ही कर रहा है सवाब का काम ही कर रहा है लेकिन नबी का तरीका नहीं है तो बिदात है नबी ने इसीलिए वो तीन साहब इक्राम से बुखारी मुस्लिम की रिवायत है तीन साहब इक्राम जो अलैहि वसल्लम की सवजा उमिन आय शरदी तह की खिदमत में तशरीफ लाए और नबी की इबादत के हाल पूछें तो उनको जवाब देते हुए आयशा रदी अल्लाह तन ने जब अल्लाह के रसूल की इबादतों का हाल बताया उन लोगों ने अपनी इबादतों को बहुत हकीर समझा और तीनों ने इरादा किया कि एक रोज़ा रखेगा कभी रोज़ा नहीं छोड़ेगा दूसरा हमेशा रात में नमाज पढ़ेगा कभी सोएगा नहीं तीसरा शादी ही नहीं करेगा अब तीनों ने इबादात का इरादा किया लेकिन तरीका नबी का नहीं था तो नबी ने फरमाया फमन रनती जो मेरे तरीके से हट के इबादत अंजाम दे दें वो मुझ में से नहीं है उसका ये उसकी इबादत ने किया अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है जैसे मुशरिक और काफिर की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता बिदाती की भी कोई इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता कई आयतों से इस्तेलाल किया गया हदीसो मिला

बिदात किसको कहा जाता है बिदात शरीयत में सवाब की नीयत से कोई काम शुरू करना दीन में सवाब की नीयत से कोई काम करना दुनियावी एतबार से घड़ी ये हाथ में पहनो यह हाथ में पहनो ये कोई सुन्नत और बिदात नहीं है दुनियावी एतबार से कोई नया काम नहीं मोबाइल पहले नहीं था अब मोबाइल का इस्तेमाल करना बिदात है क्या नहीं दुनियावी एतबार से नहीं दीनी एतबार से कोई नया काम शुरू करना जिसका सबूत शरीयत में नहीं हो साहबा ने नहीं किया नबी ने नहीं फरमाया उसको कहा जाता है बिदात लोग कहते हैं क्या नमाज पढ़ना रोजा रखना दरूद पढ़ना तिलावत करना ये बिदात है ये तो अच्छा काम है तो उसी हदीस से इसका जवाब है कि वो तीन साहब नमाज रोजा और अच्छे काम का इरादा किए थे नबी ने क्यों कहा कि जो मेरे तरीके से हट के कोई काम करेगा वो मुझमे से नहीं इसी को तो बिदात कहा जाता है विदात इसी का नाम है एक आदमी ने इबन उमरदिल्ला के सामने छींका और छींकने के बाद कहा कि अलहमद लाला वाला सलाम आला रसोल्ला उन्हें बुलाया बुलाने के बाद कहा कि नबी ने हमें चीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया दरूद नहीं सिखाया तुमने यहाँ दरूद क्यों पढ़ा अब साहब इसे पूछो दरूद ही तो पढ़े गलत क्या है इसी को तो विदात कहा जाता है कि कोई काम आप करें जिसका सबूत शरीयत में ना हो मगरिब की नमाज तीन रकात आप कह नहीं पांच रकात पढ़ो ज्यादा है शरीयत ने यह कहीं नहीं कहा कि कौन ज्यादा से ज्यादा अमल करता है शरीयत ने यह कहा कौन बेहतरीन अमल करता है और हसन अमल अहसन अमल उसी को कहा जाता है जो नबी के तरीके के मुताबिक हो व इन अगर कम भी हो लेकिन नबी के तरीके पर हो। अज़रात। बिदात बिदाती ये सोचता कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन उसके सारे काम बर्बाद होते हैं नबी ने इसी को अल्लाह ने इसी को फरमाया फरमायासुरफ में कुल हल उन अक्सर ही ना आमाल क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो अमाल के तहवर से बड़े खसारे में है नुकसान में है फिलहत दुनिया दुनियावी जिंदगी में जिनके सारी कोशिशें अकारत और जयं और आखरत में भी जये और बर्बाद होंगे कि क्यामत के रोज़ अल्लाह के, रोज के रसूल उनको सोहकन सोकन, सोकन लेन अदीन इबादी कहकर धक्का मार के उनको रसुआ करके भेज दिया जाएगा ओ हम यह सबो न सुना वो समझते हैं कि बहुत अच्छे काम हम कर रहे हैं सुरा ने नासिबा। अमल करके भी थके मान दे बेकार है अकारत जाए है महरूम होंगे ये लोग और रोज़ कयामत भी अल्लाह के रसूल उनको धक्का मार मार के भगा देने के लिए कहेंगे असरात बिदात पल अमल करने से क्या होता है दीन की सही शकल और छवि बिगड़ जाती है ईसाइत को देखो दीन का जज्बा है अमल का जज्बा है लेकिन सही शकल नहीं है कहां से कहां चले गए कि सही ईसायता जो उनके पास नहीं है बिदात पर अमल करने का एक नुकसान यह भी है कि बिदात पर अमल करने की वजह से शैतान बड़ा खुश होता है विदाती से एक और नुकसान यह भी है कि सुन्नत खत्म होती है देखो नमाज के बाद नबी की सुन्नत नबी का तरीका था सलाम फेरते फला फुला, फुला दुआएं पढ़ते मुख्त की तरफ देखते आज देखो सलाम फेरते ही मुनाजात सारी सुन्नते चली गई विदातों पर अमल करने से सुन्नतें खत्म हो जाती मिट जाती हैं इसी तरह से दीन में मनमानी ताबीत और मनमानी का मिजाज शुरू हो जाता है इतवा दलील का मिजाज खत्म हो जाता है लोग मानते नहीं आप लाख दलील दो कोशिश करो कहो कि सुरा फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना जरूरी है नमाज में सुरा फातिहा जरूरी है फिर भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन खाना है सामने मिठाई रखे हुई है खाने के सामान में सुरा फातिहा जरूर पढ़ेंगे मनमानी मिजाज शुरू होता है दलील खत्म हो दलील का इतबा खत्म हो जाता है इसी तरह से मेरे भाइयों विदा तो खुराफात से शिरक जन्म लेते हैं शिरक का दरवाजा खुल जाता है कौम नू में जो शिरक शुरू हुआ और कल भी हमने मालूम किया कि नेक लोगों की शान में गुलू पहले बिदात बिदात से आहिस्ता आहिस्ता शिरक तक ये चीजें लेकर जाती हैं इसीलिए हमें विदात से परहेज करना याद रखें मेरे भाइयों विदात के जो रास्ते हैं सबसे पहले नफसानी ख्वाहिशत की पैरवी और दूसरी चीज ज़यीफ और बेबुनियाद दलीलों का सहारा और तीसरी चीज के फासदाताबीलाते फासिदा सही दलाइल का गलत सलत माना पेश करना ये बुनियादी इसबाब हैं और आखिर में इससे बचने के लिए हम क्या करना क्या कर सकते हैं बिदा से बचने के लिए सुन्नत पर सख्ती के साथ अमल हो हर वो काम जो सुन्नत है उसी पर अमल करे बिदा तो खुराफात से गुरेज और परहेज़ करें क्योंकि नबी ने फरमाया फिलहि कुम्ब सुनती और सुनतफा राशिदीन जब तुम देखोगे बिता तो खुराफात हैं तो सुन्न अल्लाह के रसूल की सुन्नत को लाजिम पकड़ो सहाबा और नबी ने जो किया वो करो बिदात से बच जाओगे और अगर इनको छोड़ोगे तो बिदात खुराफात में मुब्तला हो जाओगे हर अब्बुल से अल्लाह हमें और आपको फितनाई बिदात खुराफात से बचाए और सुन्नत की इतबा करने की तोफ़ी क़ा फरमाए अमीन सोनान का सदरकतबिला